focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. पहले हमारे साथ हैं शंकर भाई वेगाड़ जो एमपी है गुजरात से बीजेपी की तरफ से. सर आपसे बात करें, आज वुमेंस डे है तो गुजरात की बात करते हैं. आप गुजरात के जो वुमेंस की स्थिति है महिलाओं की, उसको कैसे देखते हैं आज के टाइम में? शायद आपने गुजरात के लिए पूछा है, लेकिन मैं देश की महापंचायत का सदस्य हूँ. बोले पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से नारी का कैसे सम्मान हो, नारी तो नारायणी, और ख़ास करके जो मोदी जी ने अभियान चलाया है बेटी बचाओ. आजकल लड़की की संख्या बढ़ रही है, लड़की की संख्या कम हो रही है, तो इससे जो संतुलन गिरा जा रहा है तो संतुलन कैसे बढ़े, इसके लिए पूरे देश में बेटी बचाओ, बेटी बधाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तीन सूत्र के ऊपर कार्य चल रहा है. और नारी का सम्मान हमारे पूरे जो ने और शास्त्रों में हमारे वेदों में भी लिखा है कि नारी तू नारायणी. आखिर इंसान को जन्म देने वाली एक नारी है, तो उसका सम्मान कैसे हो, उसकी प्रतिभा और उसकी जो इज्जत हमारे देश में कैसे बढ़े, इसके लिए हम सब चिंतित हैं और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है सरकार. सर आपने बहुत ही खूबसूरत बात करी. बस एक मेरा थोड़ा सा आपके लिए सीरियस क्वेश्चन है कि जैसे कि एसएससी का जो स्कैम हो रहा है, बहुत बच्चे एसएससी को लेकर बहुत बच्चे आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एसएससी एग्ज़ाम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है उसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी दिल्ली में लोधी रोड पर बैठे हैं. आपको मुझे लगता है थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी के जैसे जो बच्चे हैं उनका ये मानना है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी का, तो उसमें करप्शन की गई है, उनके एग्ज़ाम्स में स्कैम हुआ है. तो 10 दिनों से बच्चे सर वहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी लड़कियाँ भी हैं, और आज उन्होंने स्पेशली लिखा कि बैड इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं हम, और वहाँ पे मैंने भी कवर किया, काफ़ी महिलाएं पीड़ित थी. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आज वुमेंस डे है बट वो अपने घर से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 10 दिनों से? आज महिला विश्व सम्मान दिन जो हम आज हम मना रहे हैं, तो चाहे कोई भी समाज की महिला हो या बच्चिया हो लड़कियां हो, उसको अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए ना, इसमें कोई शक नहीं है. उसको अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा, इसके लिए हम भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, और हिंदुस्तान का हर नागरिक में ये भाव होना चाहिए कि किसी को वुमेंस को या लेडीज को या बच्ची को या लड़के को कोई अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए. ये हमारी एक भाव है या हमारा एक हृदय से उसकी लिए एक हमदर्दी है, ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू.